हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सानवी पांडे व्लॉग में। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो यहाँ देखिए, मैं मटर को निमोना बनाने वाली हूँ और मैं सरसों का तेल डाली हूँ और पचफोरन डाली हूँ। और देखिए, यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ, इसको मैं फ्राई करूँगी। और तो देखिए, इसमें मैं अभी हींग डालूँगी। देखिए, हींग डाल रही हूँ और इसमें देखिए मैं मटर का पिसा हुआ मैं डाल रही हूँ। इसको मैं मिक्स करके अब चला रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, जब तक ये कढ़ाई में लगने से मतलब छूटने लगे। देखिए मैं इसको, और इसमें मैं आलू भी डाल रही हूँ। तो आलू भी इसमें मैं मिक्स करके चला रही हूँ। ये फ्राई करते करते आलू भी हो जाता है, जैसे कोरोना जैसा छूटने लगे। देखिए, जैसे मैं चला रही हूँ, ये सोन जैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो पहले इसको फ्राई करते रहो जब तक ये कढ़िया में लगे ना। और देखिए, मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मसाला भी डाल रही हूँ, मसालेदार बना रही हूँ ना। तो यहाँ पे मसाला भी डाल रही हूँ, नमक भी डाल रही हूँ। मैं पहले ही नमक डाल लेती हूँ अंदाज से, कि आलू भी पक जाए इसमें। तो देखिए, अभी थोड़ा सा मैं धीमी आँच में रख दी हूँ कि पक जाए। अब इसको देखिए मैं चला रही हूँ, इसको मसाला तब तक मैं फ्राई करती रहूँ जब तक ये कढ़िया में लगने ना लगे। लगते मैं इसको छुड़ाऊँगी। तो देखिए, ये देखिए छूट रहा है और कढ़िया में लग भी नहीं रहा है। तो कोरोना जैसा छूट रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। सोन सोन जैसा लगता है निमोना, बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्टी। तो देखिए, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। अब ये मेरी निमोना रेडी हो गया है। इसमें मैं टमाटर कटी हुई इसे डाल देती हूँ, अच्छा लगता है देखने में, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। आप पेस्ट भी बनाकर आप टमाटर डाल सकते हो। बहुत लोग निमोना में टमाटर नहीं डालते, लेकिन हमारे यहाँ निमोना में टमाटर पड़ता है तो मैं डालती हूँ। तो देखिए, मेरी जो निमोना है रेडी। और आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।